दोस्तों, आज पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो लड़कियों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो। किसी देश में लड़की का रेप किया जाता है, उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो किसी देश में लड़की को उसका हक नहीं मिलता, उसे किसी तरह का कोई अधिकार नहीं दिया जाता। यानी कि आज की दुनिया में लड़कियों को किसी ना किसी तरह से जुर्म को सहना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 5 देशों के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है। सोमालिया। सोमालिया एक बहुत ही गरीब देश है और वहाँ किसी को भी किसी चीज की आजादी नहीं है। सोमालिया में लड़कियों को गर्भावस्था के दौरान मारा जाता है, उनका रेप किया जाता है, और कोई लड़की अगर किसी से शादी करने से मना कर दे तो उसे मार पीट के उससे जबरदस्ती शादी भी की जाती है। कांगो गणराज्य। दुनिया भर में सेक्स संबंधित हिंसा में कांगो सबसे आगे है। यानी कि किसी भी लड़की का रेप करना, उसके साथ छेड़छाड़ करना, उसका किडनैप करके उसको स्मगल करना, ये सब वहाँ आम बात है। अमेरिकी जन स्वास्थ्य पत्रिका के मुताबिक कांगो में हर रोज 1,150 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, और ये तो सिर्फ वो आंकड़े हैं जो रजिस्टर होते हैं। और यहाँ महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति भी बहुत खराब है। यहाँ 57% गर्भवती महिलाएं खून की कमी से जूझती रहती है। भारत। दोस्तों, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हमारे देश में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। भारत में महिलाओं के खिलाफ रेप के और मारझूड़ के बहुत सारे मामले हर दिन दर्ज होते हैं, और इसी वजह से भारत को महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देशों में गिना जाने लगा है। और इतना ही नहीं, बल्कि शोधकर्ताओं के मुताबिक पिछले 3 दशक में 5 करोड़ भ्रूण हत्या के मामले भी सामने आए हैं, जो कि बेहद दुख की बात है। पाकिस्तान। पाकिस्तान में कई पुराने रीति रिवाज है जो लड़कियों को मानने पड़ते हैं, और ये रिवाज बहुत सख्त होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर महिलाओं के मानव अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाते। और यहाँ हर साल करीब 1,000 महिलाओं और बच्चों को ऑनर किलिंग का शिकार होना पड़ता है। वहीं 90% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार भी होती है। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश में बचपन से ही महिलाओं के लिए जीवन कठिनाइयों से भरा होता है। 87% महिलाएं अशिक्षित हैं और 70 से 80% की जबरन शादी करा दी जाती है, वो भी ऐसे लोगों से जो उनसे 40-50 साल बड़े होते हैं। और फिर बाद में बच्चे पैदा करते वक्त 1,000 में से 4 महिलाओं की मौत भी हो जाती है। और यहाँ पर घरेलू हिंसा के मामले भी आम बात हो गई है। यहाँ लड़कियों को किसी भी तरह का अधिकार नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, बस यही था आज की वीडियो में। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? अगर इन सब चीजों को आप रोकना चाहो तो कैसे रोक सकते हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन सब चीजों के बारे में पता चले। और ऐसी अनोखी और रोचक वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।